ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमि ऊण अभयनन्दिं सुदसायर पारगिन्दनन्दिगुरुं वरवीरनन्दिनाहं पयडीणं पच्चयं वोच्छं आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने इस गोमट सार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की हुई है। उसी के टीकाओं के आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी हुई है और उसी का हिंदी अनुवाद हम यहाँ देख रहे हैं। अपना आश्रव अधिकार चल रहा है और आश्रवों के प्रकरण में एक जीव की अपेक्षा जो प्रत्यय यानी आश्रव पाए जाते हैं उसकी चर्चा चल रही है। उसमें पांच प्रकार से वर्णन चलेगा अभी। एक है स्थान, फिर स्थान प्रकार, उसके बाद क्या होगा कूट, कूट कैसे बनाना, फिर कूट का उच्चारण और फिर भंग कैसे लाना, भंगानयन। इस तरह से पांच प्रकार से इस पूरी बातें चलेगी। अब इसमें शुरुआत करने के पहले एक दो प्रश्न, क्योंकि वो उसी के बारे में है, पहला जो विषय हो चुका है उसको लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कहते प्रथम उपशम सम्यक्त्व में, यानी प्रथमोपशम सम्यक्त्व में अनंतानुबंधी की विसंयोजना है या नहीं। तो प्रथमोपशम पूछा तो द्वितीय उपशम में है क्या नहीं है, अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने के बाद जीव द्वितीय उपशम करता है, क्योंकि द्वितीय उपशम कब होता है और प्रथम उपशम क्या है, द्वितीय उपशम क्या है, पहले इसको देखते हैं। तो जीव मिथ्यात्व गुणस्थान में से दर्शन मुनि और अनंतानुबंधी का उपशम करके जब ऊपर के चौथे पांचवें या सातवें गुणस्थान में जाता है तब उसको कहेंगे प्रथम उपशम। मिथ्यात्व में से उसने उपशम किया है। अब जो ऑलरेडी वेदक समय दृष्टि है जिसको क्षोपशम समय दृष्टि कहेंगे, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती जीव है और उनके पुरुषार्थ ऐसा होता है कि उपशम श्रेणी के सम्मुख हो जाते हैं, तो वेदक सम्यक्त्व के साथ उपशम श्रेणी नहीं चढ़ी जाती, क्योंकि वहाँ सम्यक प्रकृति का उदय है, वहाँ कुछ सूक्ष्म दोष भी होता है। इसलिए जब तक सम्यक प्रकृति के उदय के साथ यानी वेदक सम्यक्त्व के साथ उपशम श्रेणी नहीं जा सकती। क्षपक श्रेणी चढ़ने का तो सवाल नहीं है, वो तो क्षायिक समय दृष्टि ही चढ़ेंगे। इसलिए उस समय जो छठे सातवें गुणस्थानवर्ती जो वेदक समय दृष्टि है वो क्या करते हैं, तो मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व तो अंदर ही पड़े थे और सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा था, पर मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व उदय के एक समय ऊपर ही पड़े थे। अब वहाँ क्या होता है, परिणामों की ऐसी विशुद्धि होती है कि उसमें बहुत बड़ा गैप तैयार होता है और उसके ऊपर के जो सारे जो तीनों ही प्रकृतियों के परमाणु है उपशमित हो जाते हैं, उदय में नहीं आवे ऐसे हो सकते हैं। और वो अभी गैप का जब तक काल चल रहा है तब तक उसको कहेंगे द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। अब ये सम्यक्त्व तो द्वितीयोपशम हुआ, अभी इसमें वो द्वितीयोपशम सम्यक्त्व के लिए भी वो तीन करण परिणाम होते हैं, फिर एक अंतर्मूर्त में वो श्रेणी चढ़ता है, तो उपशम श्रेणी चढ़ने के लिए चारित्र मुनि का उपशम करते हुए ऊपर चढ़ता है। पहले तो दर्शन मुनि का उपशम करके उसने द्वितीय उपशम किया, वो द्वितीय उपशम तो सम्यक्त्व का नाम है। अब उपशम श्रेणी में औपशमिक चारित्र होगा, उसके लिए चारित्र मुनि अनंतानुबंधी का तो पहले विसंयोजन किया था, फिर ये दर्शन मुनि की तीन का उपशम किया, अब वो श्रेणी चढ़ेगी यानी वहाँ चारित्र मुनि का क्रम से उपशम होता चला जाएगा। यहाँ तक बात समझ में, ये द्वितीय उपशम है। प्रथम उपशम किसको कहेंगे, जो मिथ्यात्व में से औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त करता है उसको कहेंगे प्रथम उपशम,
भले वो पहली बार हो, दूसरी बार हो, असंख्यात बार हो, क्या असंख्यात बार भी हो सकता है? इतने बार वो गिरकर मिथ्यात्व में आया है, तो मिथ्यात्व में आते ही फिर दोबारा उसको उपशम नहीं होता, क्योंकि उसकी सत्ता में वो तीन प्रकृति है। मिथ्यात्व का तो नया बंध होता है, और सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, वो उसकी स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण बनी है। अब उसके वो तो उल्टा संक्रमण उद्वेलना होते होते वो नष्ट होने को चलती है, परंतु तब तक अगर उसको सम्यक तो होता है तो उसको कहेंगे, उसको वेदक सम्यक तो कहते हैं। उसके लिए वो गैप करना वगैरह वगैरह वो वैसा उपशम वाला वो कार्य नहीं होता, डायरेक्ट उसको सम्यक तो हो जाता है। अब यह इनका प्रश्न क्या है कि प्रथम उपशम सम्यक्त में अनंतानुबंधी की विसंयोजना है या नहीं। विसंयोजना करने वाला कौन है? तो वेदक सम्यक दृष्टि ही विसंयोजना करता है, क्योंकि अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने के लिए दोबारा तीन करण परिणाम होते हैं। एक करण परिणाम में उसने उपशम सम्यक तो प्राप्त किया है और वो अंतर्मूर्त वाला है, उसी काल में दोबारा तीन करण परिणाम होकर वो अनंतानुबंधी की विसंयोजना नहीं कर सकता, ये उसका उत्तर है। विसंयोजना करने वाला वेदक सम्यक दृष्टि ही होता है। हाँ, तो विसंयोजना कब करता है? ऐसे भी केवल विसंयोजना होती है, चौथे वाला भी करता है, उसका ना कोई श्रेणी चढ़नी है नहीं कुछ है। और कहाँ होता है? तो पहले विसंयोजना करके बाद में वो शायिक सम्यक दृष्टि होता है, दर्शन मुनि का क्षपणा करके, उसके भी पहले विसर्जना होती है, पर विसर्जना की इसलिए वो दर्शन होने का क्षय तभी करेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हमने देखा था सातवें नरक का नारकी भी तो विसर्जना कर सकता है, उसकी वहाँ इतनी विशुद्धि होती है कि फिर तीन करण समय दृष्टि ऑलरेडी हुआ है। मिथ्यात्व में ही जन्म लेते हैं नारकी सारे, पहले नरक को छोड़कर बाकी सर्वत्र तो मिथ्यात्व में ही जन्म लेते हैं। पहले नरक में भी कुछ क्षायिक समय दृष्टि हो गए, बाकी तो मिथ्यात्व में ही उसमें जन्म लेते हैं, तो वहाँ जाने के बाद वो उन्होंने सम्यक तो प्राप्त किया। किसी ने वेदक सम्यक तो, क्योंकि उसने पहले बहु में कभी किया था इसलिए, और कोई नए से करेगा तो उसको कहेंगे औपशमिक सम्यक तो। समझ में आती है ना बात? हाँ, तो इन्हें अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाला वेदक सम्यक दृष्टि ही होता है, ये एक प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है सम्यक तो मार्गणा में औपशमिक सम्यक्त्व में 45 प्रत्यय कैसे आया? हमने वो 40 का 45 किया था, आपको याद है, तो उसमें 45 गिनने हैं हमको, तो औपशमिक सम्यक्त्व है तो उसमें कौन से नहीं है और कौन से है उसकी बात है। इन्होंने पूछा है क्यों वैकृत मिश्र और कारमान का योग को नहीं निकाला, इसका अर्थ है जब हम औपशमिक सम्यक्त्व इतना ही कहते हैं तो उसमें प्रथम उपशम सम्यक्त्व भी आ गए, द्वितीय उपशम सम्यक्त्व भी आ गए। केवल प्रथम उपशम सम्यक्त्व की बात करते तो प्रथम उपशम सम्यक्त्व में योग कौन कौन से होते? अकेले प्रथम उपशम सम्यक्त्व में मन के चार, वचन के चार। अब मेरा प्रश्न है कौन से गति वालों को प्रथम उपशम होगा? चारों गतियों में। हाँ, तो वैकृत एक होगा और औदारिक एक होगा, और कोई होगा? क्योंकि मरता नहीं है प्रथम उपशम सम्यक्त वाला, उस अंतर्मूर्त में उसका मरण नहीं है, तो मरकर कारमान होने का या महिष्य होने का सवाल नहीं है। तो प्रथम उपशम होता तो उसके हम 10 कह दिया, क्योंकि चारों गतियों में होता है। अब द्वितीय उपशम सम्यक्त तो कहाँ होता है? हमने देखा था कि मनुष्य मुनिराज है, श्रेणी के सन्मुख है, और श्रेणी चढ़ के फिर नीचे उतरते हैं, तो उनका द्वितीय उपशम कुछ काल के लिए यानी अंतर्मूर्त के लिए चल रहा था, तो वो छठे से पाँचवें में भी आ सकते, चौथे में भी आ सकते, फिर चौथे से फिर छठे सातवें में भी आ सकते, सातवें में। तो यहाँ क्या है, वो मर भी सकते हैं ना वहाँ पर, या कोई द्वितीय उपशम से श्रेणी चढ़ा तो श्रेणी चढ़ने में उतरने में भी उसका मरण हो सकता है, तो उसका द्वितीय उपशम तो चल रहा था, तो द्वितीय उपशम के साथ वो देव में जन्म लेगा, तो जन्म लेगा तो द्वितीय उपशम उसका कारमान का योग में भी बना रह सकता है और उसका वैकृत मिश्र में भी बना रह सकता है। बाय दैट टाइम वैकृत मिश्र में ही वो द्वितीय उपशम में से वेदक सम्यक दृष्टि हो जाता है, इसलिए यहाँ वैकृत मिश्र को और कारमान का योग को नहीं निकाला। परंतु औदारिक मिश्र कैसे हो सकता है? क्योंकि द्वितीय उपशम के साथ कोई मनुष्य और तीर्यंचों में नहीं जन्म ले सकता, द्वितीय उपशम के साथ मरा है यानी ऊपर के गुणस्थानों में ही मरा है, और वो ऑलरेडी मुनि होकर फिर मरण हुआ है, यानी निश्चित रूप से
उसने तो देवायु ही बांधी होगी। आप ऐसा कैसा कह सकते देवायु बांधी होगी? देखो ऐसा नियम है, जिसने सम्यक्त होने के पहले तो कोई भी आयु बांध सकता है ना, चारों आयु का, पर जिसने मनुष्य आयु भी बांधी है, किसी ने चिरंचायु बांधी है, किसी ने नरकायु बांधी है, उनको सम्यक तो हो सकता है, परंतु उसको पांचवें गुणस्थान या ऊपर के गुणस्थान हो नहीं सकते। फिर से सुनना, जिसने पहले नरकायु या तिर्यंचायु या मनुष्यायु बांधी है, उसको सम्यक तो यानी चौथा गुणस्थान हो सकता है, पर उसको पांचवा या सातवा छठवा वगैरह ऊपर के गुणस्थान उसके नहीं होंगे, क्योंकि उसकी सत्ता है ना बंधी हुई, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। तो श्रेणिक राजा को श्रावकोत्तम कहते हैं, तो उनका गुणस्थान कौन सा था? क्यों? नरकायु की सत्ता है ना। अरे सम्यक तो प्राप्त किया, शायिक हुआ, तीर्थंकर प्रकृति भी बांधी, उसमें कोई रुकावट नहीं आई, परंतु इतना होने पर भी पांचवा गुणस्थान या मुनि अवस्था नहीं ले सके। ये निमित्त से कुछ नहीं होता, पर जहां निमित्त की ओर देखकर हम कार्य का अनुमान लगा सकते हैं। ये हमको मालूम है ना, पहले नरकायु बांधी हुई थी, बाद में वो घटकर वो तो पहले नरक की कुछ कम हो गए 84,000 वाली, तो इसलिए वहाँ प्रत्येक 45 बताए। अभी कौन गिनाएंगे? औपशमिक सम्यक्त्व में प्रत्येक गिनाना है आपको। मिथ्यात्व के कितने हो गए? कुछ नहीं हो गए। और अविरति के नहीं, नक्की करो 11 के 12 है 12 12। हाँ तो 12 ख्याल में रखना, ये 12 है। उसके ऊपर का कॉलम कितना है, कौन सा है? कषाय का, सम्यक दृष्टि हुआ है। अब चौथे वाला हम गए, हाँ तो अनंतानुबंधी नहीं है, हाँ तो 4 हो गए। मिथ्या तो कितने लिए थे? 0। मिथ्या तो कुछ नहीं लिए थे, अविरति 12 लिए थे, 12 अविरति हुई। अब कषाय कितने लिए पहले में? पहले 3, अनंतानुबंधी रहित, 12 और 3 15। वेद, हम एक जीव की बात नहीं अनेक जीवों की बात करें, औपशमिक सम्यक तो किसी भी वेद वाले को होगा कि नहीं होगा? हाँ तो 3 हो गए, तो कितने हुए? 18 हुए ना, हाँ 18 हुए। फिर उस अभी गिनना है ना उसको, हाँ 9 कषायों को भी यहाँ गिन लो, हाँ कितने हुए? हाँ 12 और 9 9 9 21 हो गए। फिर से आप चार्ट निकालो, देखो पहले वाला का, पहले वाला चार्ट निकालो, जहाँ गुणस्थानों में प्रत्यय है ना वो निकालो। गुणस्थानों में प्रत्यय सेकंड नंबर का चार्ट है आपके हाथ में, वहां 46 लिए थे यानी 11 नहीं थे, जो नहीं थे उसको वहां गिनाया है। कौन कौन से नहीं थे? तो हमको मैक्सिमम गिना नहीं ना, औपशमिक समय तो में आहारक द्विक नहीं होते, तो मिथ्या तो 5 नहीं हो गए, और क्या नहीं हो गए? अनंतानुबंधी नहीं हो गए, 9 हो गए ना, हाँ फिर आहारक द्विक नहीं हो गए, और प्रथम औपशम में और क्या नहीं हो गए? कारवान नहीं होगा, औदारिक मिश्र नहीं होगा, वैक्रिक मिश्र नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आई ना बात? हाँ अभी यहाँ दोनों लेना है, द्वितीय ऑप्शन में तो यहाँ तो उनका प्रश्न, हाँ और द्वितीय ऑप्शन में क्या नहीं लेना, औपशमिक समय तो में द्वितीय ऑप्शन भी आया। प्रथम ऑप्शन में हमने वैक्रिक मिश्र को भी नहीं लिया था, द्वितीय ऑप्शन में वैक्रिक मिश्र और कारमान को लेना है, औदारिक मिश्र को निकालना है। ख्याल में आई ना बात? हाँ वहां तो हमने 46 लिए थे चौथे गुणस्थान में, और यहाँ हमने 45 लिए, बोला था ना, वही तो बोल रही हूँ। यहाँ वैकरिक मिश्र को रखना है, कारमान को रखना है, और वहां तीनों को नहीं लिया था, हाँ इसलिए वो सामान्य से समय दृष्टि लिए थे, चौथा गुणस्थान लिया था।
हाँ, अब अपना विषय चलेगा, ये तो प्रश्न हुआ, हमें तो भंग निकालने हैं ना। अभी कोई साधारण प्रश्न है, सम्यक दृष्टि आत्मा जब क्या है, माता के खाता के गर्भ, क्या लिखा है, माता के, अच्छा माता के गर्भ में है तब शुद्ध उपयोग होता है कि नहीं, कौन सा उपयोग होता है। शुभ अशुभ उपयोग तो होता ही रहेगा, शुद्ध उपयोग होने में कोई हर्जा नहीं है, पर गुरुदेव के भी प्रवचन में आया है, जब तक शास्त्र में ऐसा कोई कथन स्पष्ट रूप से नहीं आता है तो हम उसको नहीं कह सकते। शुभ उपयोग तो होता है ना, अरे माता का गर्भ का 2 महीने का बालक मरकर सनत कुमार में देव भी हो सकता है, यानी ऐसे वहाँ परिणाम चलते रहते हैं उसमें। और प्रश्न आया था कि समय दृष्टि आत्मा जब माता के गर्भ में है तब शुद्ध उपयोग होता है कि नहीं, कौन सा उपयोग होता है। शुभ अशुभ तो होता ही होता है, तो शुद्ध उपयोग में होने में भी कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि वैसे तो उसके तो पर्याप्ति भी पूर्ण हुई है। हाँ, नया तो कुछ उसको नए से कोई सम्यक तो प्राप्त नहीं कर सकते। नया ऐसा कहाँ लिखा है, कौन से आगम में लिखा है, ऐसा सबने एक दूसरे से सुना है। वो वासना काल है, उस जीव का ऐसे कषाय नहीं उत्पन्न होते जो 6 महीने से अधिक रहे, इसको कहते हैं वासना काल। हाँ, शुद्ध उपयोग भी होगा उसको, अनेक बार होगा, 6 महीने की लिमिट भी नहीं है कि 6 महीने रुकना पड़े, और 6 महीने होता नहीं तो होता नहीं, ऐसा कहीं पर किसी भी, वो बहुत लंबे काल के बाद हो सकता है या होता है, ऐसा भी उसमें आता है। यानी 6 महीने के जो हम कथन करते हैं वो किसी भी आगम में लिखा हुआ नहीं है, परंतु उसमें होने में भी कोई हर्जा तो है ही नहीं है। समझ में आते हैं ना, अंतर्मूर्त में हो सकता है मिनिमम काल, शुद्ध उपयोग अंतर्मूर्त में भी हो सकता है। जरूरी के प्रश्न नहीं है किसी भी आगम में स्पष्ट रूप से महीनों में या उस काल का, ऐसा लंबे काल तक नहीं होता, इतना ही लिखा है। शुद्ध उपयोग से थोड़ी अनंतानुबंधी उसके उत्पन्न ही नहीं हो रहे, 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद भी क्यों, जो उत्पन्न हो रहे वो अप्रत्याख्यानावरण वाले ही उत्पन्न हो रहे, जिनकी स्थिति 6 महीने से ज्यादा रहती नहीं है, बस यही है उसका। यानी उसको शुद्ध उपयोग होगा, अनेक बार होगा, परंतु ऐसा कहीं लिखित रूप से नहीं है। 6 महीने का काल कहीं पर भी शुद्ध उपयोग की जो नहीं होगा तो गिर जाएगा, ऐसा कहीं पर भी नहीं आता, विद्वानों के प्रवचन में ही खाली आता है। परंतु हमें आगम से चलना है ना, लंबे काल तक नहीं होता है ऐसा भी आता है, पर उसकी कहीं पर मर्यादा लिखी हुई नहीं है। वासना काल की मर्यादा आगम में लिखी हुई है। हरे कषाय के वासना काल का अर्थ होता है अनंतानुबंधी, किसी के प्रति क्रोध आया तो उसके प्रति वो क्षमारूप नहीं हो रहा, उसके क्रोध से मान माया लोप तो हो ही रहा है ना, तो अनंतानुबंधी अनंत काल तक रहता है, उसका अर्थ क्या है, उस जीव के प्रति वो क्षमारूप नहीं प्रवर्तन हुआ है उसका, तो वो कितने लंबे काल तक चले, बहुभवन तक भी चलता है, परंतु अभी जो समय दृष्टि है उसके ऐसे कषाय ही नहीं उत्पन्न हुए कि किसी के प्रति उसके 6 महीने से अधिक उसका वो उसके प्रति उसका क्रोध चल रहा है। हाँ, ज्ञान में आएगा, हमने उसको क्रोध किया था, पर उसके प्रति अभी उसके कोई ऐसा कुछ विरोध या द्वेष भाव नहीं रहा। कमठ और पार्श्वनाथ तो कमठ की ओर से बहुत तक चल रहा है, पार्श्वनाथ की तरफ नहीं, वो द्वेष कोई नहीं था वो, तो ख्याल में, यानी किसी चीज का मैं विरोध नहीं कर रही हूँ, परंतु ये कहीं पर लिखित रूप से ऐसा नहीं आता, पर वासना काल की बात लिखित रूप से आती है, यानी उसके ऐसे कषाय ही उत्पन्न नहीं होते तो 6 महीने से लंबे चले ने उस विशिष्ट व्यक्ति के प्रति जो कुछ, ये विशिष्ट घटना के प्रति उसके जो क्रोध मान माया लोभ के परिणाम हुए हैं, यानी क्रोध है वो क्षमारूप होना उसको कहेंगे, या मान है वो विनय रूप होना, ऐसा कार्य नहीं होता है उसके। ये क्षमावाणी वगैरह क्यों, इतने सबसे क्षमा क्यों मांगते हो, क्षमा क्यों करते हैं, हाँ 2 बार आते हैं ना, वो तो दशलक्षण के बाद क्षमावाणी होती है, परंतु वो तो केवल कहने से तो होते नहीं है क्षमा,
हमने तो क्षमा वाणी हम खाली अपने फ्रेंड से उसके साथ मांगे मोबाइल पे। अच्छा, और वो दुश्मनों के जो किए दुश्मनी हुई कभी 20 साल पहले, वो बिल्कुल उसके याद आती, वो सब दुश्मनी नीचे ऐसे अंदर से आ जाती, तो उसको कहाँ, सब जीवों को कहाँ क्षमा किया आपने। हाँ, हाँ हो सकता है ना, बिल्कुल समय दृष्टि तो ऐसा ही होगा, और उसको देखकर उस सामने नया उसका द्वेष हो जाएगा, 6 महीने का चला जाएगा। लोग ऐसा भी पूछते, नारकियों में भी साता असाता का उदय अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में होता है, तो साता के उदय में क्या होता होगा? तो सामने वाले को अच्छा मार चखाया ऐसा लगता होगा ना। हाँ देखो, अभी हम आगे बढ़ेंगे अपना जो कूट वाला जो प्रकरण है ना। देखो ऐसे कुछ बातें होती है कि शास्त्र में उसका जब तक लिखित रूप से ऐसा कोई चर्चा, गुरुदेव ने प्रवचन में कहा है कि ऐसा शुद्ध उपयोग तो होता ही है, परंतु ऐसा कहीं लिखित रूप से नहीं मिलता, माता के गर्भ की बात है। पर अनुमानित करने के लिए वासना काल ऐसे कषाय उत्पन्न ही नहीं होता रहे, उसका वासना काल कहा, पर उसका शुद्ध उपयोग के साथ अगर नहीं करेगा तो अनंत आनंद ही उत्पन्न हो गया, ऐसा थोड़ा ही है। समझ में आते ना, ये लंबा काल जो सम्यक तो चल रहा है। इनमें नहीं होता ऐसा नहीं कह रही हूँ। अरे होता तो अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में होता है, जिसको एक बार हुआ है और जिसको उसकी रुचि हुई है वो तो उसके बारंबार होता रहेगा, उसके 6 महीने भी रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो 495 पर हमने ये लास्ट लाइन में देखा था, ये कूट का उच्चारण कैसे करना उसकी बात चल रही थी अपने। अनंतानुबंधी रहित प्रथम कूट में मिला आपको, पेज नंबर 699 अंतिम पंक्ति, ये अभी उसका उच्चारण कूट को कैसे कहना, जिसको कहेंगे उसका कथन करना आलाप, वो कैसा होगा। पहले में पहले उन्होंने प्रत्येक पंक्ति में पहला नंबर कौन सा है उसको बताया, तो क्या लिखा उन्होंने, अनंतानुबंधी रहित प्रथम कूट में एकांत मिथ्यात्व, यानी पहले पंक्ति में पहला जो एक लिखा है उसका नाम है एकांत मिथ्यात्व, फिर दूसरे में स्पर्शन इंद्रिय, तीसरे में पृथ्वी काय की हिंसा, फिर तीन प्रकार के क्रोध, क्योंकि विसंयोजना वाला अभी मिथ्यात्व में आया है, अभी उसका विसंयोजन नहीं हुआ, अभी उसकी संयोजना हो चुकी है, सत्ता में मिथ्या समय अनंतानुबंधी आ गया है, उदय में नहीं है, इसलिए उसको अनंतानुबंधी रहित कहा। तीन प्रकार के क्रोध, फिर वेद में किसको पहला लेना है, नपुसक वेद, हास्य रति का युगल, सत्य मनोयोग पहला नंबर है मनोयोग में से, सत्य मनोयोग का, इसमें इनमें अक्ष को रखने पर, यानी हम इन पर पॉइंटर रखेंगे अपना, तो उस जीव को क्या कहेंगे, तो कहते एकांत मिथ्या दृष्टि, स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत, पृथ्वी काय का हिंसक, तीन प्रकार के क्रोध का धारक, नपुसक वेदी, हास्य रति संयुक्त, सत्य मनोयोगी, ये पहला नंबर हो गया। ऐसे जीव के आश्रव का एक भंग हुआ, ये भंग ने उसका एक कॉम्बिनेशन ऐसा हुआ, जिसको कहेंगे ना कॉम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस, अलग अलग कौन कौन से हो सकते हैं, तो उसको भी नंबरिंग करना है, कोई भी कहीं पर नहीं कहना, इसी नंबर से उसको कहना पड़ेगा। अब इसमें से कहाँ अपना वो अक्ष परिवर्तन, जिसको कहेंगे कहाँ हमको अलग अलग देखने हैं, तो एक ही नंबर पर रखना है सब, एक नंबर पर रखे पर एक नंबर पर पृथ्वी काय भी हो सकती है, जल काय भी, अब इसका ऑर्डर हमको मालूम होने चाहिए, इसी ऑर्डर से कहना पड़ेगा। तो हमने देखा था पहला नाम किसका है, देखो यहाँ लिखा है, आपके पुस्तक में भी लिखा है, और यहाँ हमने प्रत्येक भंग के इसमें लिखा है, काय हिंसा के भंग, ये मात्र थे 1 2 3 4 5 6 लिखे ना, उसमें एक नंबर वाले कितने हो सकते हैं, दो नंबर वाले कितने हो सकते हैं, उसकी यहाँ चर्चा है। तो इसको कहेंगे प्रत्येक भंग, प्रत्येक भंग ने सबको एक एक को सिंगल सिंगल एक एक बार लेना है। तो पहला नाम है पृथ्वी का,
यही क्रम निश्चित है और इसको याद में रखना है, क्योंकि आगे इसी क्रम से वो कॉम्बिनेशंस भी बनाएंगे। तो पहला है पृथ्वी का, जिसको हम पृथ्वी कायिक कहेंगे ना, दूसरा है जल, जिसको अपकायिक भी कहेंगे या जल कायिक भी कहेंगे, तीसरा है अग्नि कायिक का, यहाँ तो शॉर्ट फॉर्म में रखा है क्योंकि हमको इतनी जगह नहीं थी लिखने के लिए, चौथा कौन सा है वायु कायिक का, पांचवा है वनस्पति कायिक का, और फिर त्रस कायिक का। ये कुल भंग कितने हुए, इसको कहेंगे प्रत्येक भंग। प्रत्येक भंग का अर्थ है हर एक को सिंगल सिंगल लिया, इसको कहेंगे प्रत्येक भंग। ये टोटल भंग निकालने के कुछ तरीके होते हैं, तो उसमें हम कैसे निकालते हैं पहले में विस्तार से देखेंगे, फिर उसके कुछ फॉर्मूले हैं निकालने के, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ पर पुस्तक में पढ़ते एक भंग हुआ, पुनश्च जहाँ पृथ्वी का हिंसक कहा वहाँ जल का, ये दो नंबर पर जल को लिया, या अग्नि का तीन नंबर पर, बाकी सब वैसा ही कहेंगे, वैसा एकांत मिथ्या दृष्टि स्पर्शन इंद्रिय का वशीभूत, दो नंबर पर किसको कहेंगे जल की हिंसा वाला, जल का हिंसा, जल काय का हिंसक। फिर आगे की वही बात, तीन प्रकार के क्रोध का धारक, नपुसक वेदी, हास्यरथि संयुक्त, सत्य मनोयोगी। फिर जल के बाद नंबर आएगा अग्नि का, तो उसने अग्नि काय का हिंसक कहेंगे, उसके बाद वायु काय का हिंसक, बाकी सब चीज़ें वैसे ही कहना है हमको, उसके बाद वनस्पति काय का हिंसक, और छठे नंबर पर त्रस काय का हिंसक कहेंगे। एक नंबर की चले वो, एक दो तीन चार पाँच छः की नहीं बात चल रही, एक नंबर के छः अलग अलग ये विकल्प है, छः अलग अलग भंग है उसके, यहाँ तक समझ में। इसको कहेंगे प्रत्येक भंग, यानी जिसको हमने एक नंबर दिया है उस एक में ये छः अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती है, किसी के पृथ्वी काय का हिंसक है, कोई जल का एक का है, कोई अग्नि का एक का है, कोई वायु का एक का है, कोई वनस्पति का एक का, और कोई त्रस काय का हिंसक है। तो एक क्रम से ऐसा पूरा जो बोलना है पहले से, यानी हर एक पंक्ति का नाम लेकर पहली बार कहेंगे तो पृथ्वी काय को, दूसरा भंग कौन सा होगा जल कायिक को लेकर, तीसरा भंग इस तरह से, ये नंबरिंग की हमने, तो छः नंबर तक हमने बताया। अभी सातवें नंबर पर किसको लेना पड़ेगा ये प्रश्न है। हाँ नहीं नहीं नहीं, देखो जो आगे की, अभी हम द्विसंयोगी भंगों की बात नहीं की है, हमने केवल वो एक दो वाले जो है ना, एक नंबर पर छः घटाए हैं। पहला जो एक नहीं का, एक दो तीन चार पाँच, नीचे से तीसरी पंक्ति में हमने एक दो तीन चार पाँच लिखे थे, उस एक का अर्थ होता है पृथ्वी या जल या अग्नि या वायु या वनस्पति या त्रस, ये होगा एक का अर्थ। यहाँ तीन या दो का किसी को नहीं लिया है। अब कॉम्बिनेशन है ना, एक काल में दो का हिंसक हो सकता है ना, एक काल में तीन का हिंसक, वो दो किस पद्धति से आ सकते हैं उसकी चर्चा अब कहेंगे। यानी अभी सातवें नंबर पर किसको लेना पड़ेगा, तो वहाँ डबल लेना पड़ेगा। अभी एक का, एक के छः हो गए, तो छः तक हमने एक दो तीन चार पाँच छः हमको मालूम हो गए, ये सब किसकी बात चले, एक कूट के उच्चारण की, उसका जो कथन जो है वो कैसे, अभी उसमें नंबरिंग चलेगा सारे। तो एक दो तीन चार पाँच छः जो नंबर हम देखिए, तो एक में पृथ्वी को लिया, दो में जल को लिया, तीन में अग्नि को, चार में वायु को, पांच में वनस्पति को, और छह में त्रस कायिक को लिया। ये सारे एक नंबर के छह विकल्प हुए। अब हमको छठे के बाद सातवां नंबर का हमको कथन करना है, कूट का उच्चारण करना है। तो सातवें नंबर का कौन सा होगा, वो जीव कौन सा है, तो हम कहेंगे स्पर्शन, नीचे के पहला एकांत मिथ्या दृष्टि, स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत। अब यहाँ हमारा कॉलम कहाँ रखना है, दो पर, यानी दो दो का हमारा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो दो का कॉम्बिनेशन किस तरह से हो सकता है, तो अभी जो हमारे पास क्रम से जो बातें बताई ना, देखो यहाँ लिख देख लेना, हमारे पास अभी एक क्रम से नाम मालूम है, अभी इसी क्रम को लेना है, और हमेशा याद रखना है किसी का कॉम्बिनेशन करना है तो उसके आगे के साथ करना है। ये जल का पृथ्वी, जल पृथ्वी ऐसा उल्टा नहीं कहना, पृथ्वी जल ऐसा होगा, जल पृथ्वी ऐसा नहीं होगा। तो पृथ्वी को दो दो में
उसके दो दो का भंग करना है कॉम्बिनेशन, तो पृथ्वी और जल एक कॉम्बिनेशन होगा, पृथ्वी अग्नि दूसरा कॉम्बिनेशन होगा, पृथ्वी वायु तीसरा होगा, पृथ्वी वनस्पति चौथा होगा और पृथ्वी त्रस पांचवा होगा। क्योंकि पृथ्वी को छोड़कर अन्य पांच है ना, तो पृथ्वी के साथ पांच ही हो सकते हैं। तो ये पांच लिखना आप ये जगह, तो पृथ्वी के पांच अलग अलग भंग होंगे। अब जल के साथ, जल अग्नि, जल वायु, जल वनस्पति और जल त्रस, यानी जल के आगे चार है, तो उसके द्विसंयोगी भंग जल के साथ चार हो गए। अभी कितना आसान है, पृथ्वी के साथ कितने हुए, पांच, जल के साथ चार। अब अग्नि का, अग्नि वायु, अग्नि वनस्पति, अग्नि त्रस कितने हुए, तीन। अभी आगे का आसान है ना, वायु का, वायु वनस्पति, वायु त्रस दो और वनस्पति त्रस ये एक हुआ, यानी पांच अधिक चार अधिक तीन अधिक दो अधिक एक सब मिलकर कितने हुए, किसका, हाँ द्विसंयोगी चल रहा है। खाली त्रस हमने छह में लिए थे पहले, प्रत्येक भंग हमने अकेले एक नंबर पर लिए थे, जब सिंगल सिंगल लेना है हर एक को, सिंगल हमने त्रस को ले चुके थे, अब यहाँ कॉम्बिनेशन में लेना है। एट अ टाइम दो का हिंसक है, ये कुछ हैवी हो रहा है। तो पृथ्वी के साथ पांच हुए, जल के साथ चार हुए, पांच चार नौ हुए, फिर तीन हुए, नौ तीन बारह हुए, फिर दो बारह दो चौदह हुए और फिर एक रह गया, पंद्रह हुए ना। तो द्विसंयोगी भंग कितने हुए, तो कितने पंद्रह हुए। पृथ्वी के पास साथ पांच ही ले सकते हैं, पूरे कहाँ हुए, जल के साथ अन्य चार। देखो पृथ्वी जल एक कॉम्बिनेशन हुआ, पर जल अग्नि अलग कॉम्बिनेशन है। फिर से सुना, पृथ्वी जल में जो कॉम्बिनेशन हुआ वो जल अग्नि में वो दूसरा अलग कॉम्बिनेशन है कि नहीं है, उसमें पृथ्वी कहाँ है, पृथ्वी जल में अग्नि कहाँ है। हमने कहा था पहले पृथ्वी अग्नि लिया था, पर यहाँ हम क्या रहे, जल अग्नि ले रहे। पहला जो है उसको फिक्स रखो और आगे के वाले एक एक पर ले लो, तो कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पृथ्वी का पांच सात कॉम्बिनेशन हो सकता है। जल के आगे कितने नाम है, चार है, तो जल के चार कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, दो दो के ना यहाँ पर, ये ना पांच प्लस चार प्लस तीन प्लस दो प्लस एक, इसको कहेंगे इसको संकलन करना है, नहीं समझे। तो हमने, हम तो गिन सकते ना, एक और दो कितने हुए, दो और तीन कितने हुए, अब एक साथ निकालो पांच का, नहीं समझे। एक अधिक दो अधिक तीन अधिक चार अधिक पांच, सौ तक गिनो कितनी होगी टोटल, निकालो। अरे हमने तो अभी पांच तक निकाला, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, हमने बोला ऐसे जाओ ना सौ तक, नहीं नहीं एक एक अधिक दो अधिक तीन अधिक चार अधिक पांच अधिक छह अधिक सात अधिक, अभी ऐसा करते जाओ सौ तक, निकालो कितना आएगा, फाइव जीरो। कैसे निकाला, और बोला अभी अभी पांच का कैसा निकाला बताऊं, पांच के आगे की संख्या कौन सी है, छः, फाइव इंटू सिक्स डिवाइडेड बाय वन इंटू टू, अब सौ का निकालो, सौ के आगे का संख्या कौन सी, एक सौ एक, सौ गुना एक सौ एक डिवाइडेड बाय वन इंटू टू, तो दो से भाग दिया तो पचास आ गए, पचास गुना एक सौ एक, समझ में आई ना बात, हाँ ए हमारे पास ऐसे फॉर्मूले बहुत हैं। हाँ ये पुराने आचार्यों के है सारे फॉर्मूले, हाँ ये तो गणित इतना एडवांस था, अरे ये तो ऑर्डिनरी संख्या तो असंख्यातों के और अनंतों के भी गणित है उसके अंदर,
यानी कितनों की कैसे टोटल करने, कैसे अलग अलग उसके बात आते हैं उसके अंदर। आप कहते हैं राजकोट में क्या हुआ था, राजकोट पंचकल्याणक में हम गए थे, वहाँ एक बक्सा तैयार किया था, तो बक्से में क्या चिट्ठी रखी थी, यह ऐसा कोई बॉल था उसमें चिट्ठियाँ थी, तो उसमें एक से लेकर 2500 तक प्रत्येक के ऊपर एक एक आंकड़ा लिखा था। अब आप इतने लोग आए ना, वहाँ तो बहुत सारे हजारों में लोग आए थे, हर एक को जाके उसमें से एक चिट्ठी निकालनी है, किसी कितना आया 1 रुपया, तो उसको 1 रुपया दान देना, किसी को आया 10 रुपये, उसने 10 का, तो जब तक चिट्ठी समाप्त हो जाएगी, 2500 ही चिट्ठी बनाई थी ना, तो अधिक से अधिक किसी को कितना दान देना पड़ेगा, 2500, तो उन्होंने कितना रुपया कलेक्ट किया, करो ना, करो करो करो, सबने मोबाइल निकाले, किसी को हाथ से नहीं करने का। ₹31 लाख, हाँ 25,000, हाँ तो 31 लाख से ज्यादा, अच्छा तरीका है ना। हमने अभी दसालाने में भी बात हुई थी, वहाँ के ट्रस्टी एकदम चौकन्ना होकर सुनने लगे, अच्छा क्योंकि किसी को बोझ भी नहीं लगे ना, खाली 2500 चिट्ठियाँ निकाली और 31 लाख। तो हमने वो पीयूष मैनेजर, उसको बोला क्या बात है आपने इतना सारा कलेक्ट किया, मैंने आपको कैसा पता चला, मैंने हमको नहीं चलेगा तो किसको चलेगा। हाँ देखो, अभी हम ये देख रहे थे ना यहाँ पर, ये तो हमको यहाँ कॉम्बिनेशंस, यानी जो 5+4 उसका हम एक साथ कैसे टोटल कर सकते हैं, उसका एक फॉर्मूला है। अभी हमको द्विसंयोगी भंग हमने 15 निकाले, तो द्विसंयोगी भंग भी निकालने के अलग भी तरीके हैं, त्रिसंयोगी भंग निकालने के भी अलग तरीके, पर उस गणित में नहीं जाएंगे हम यहाँ डायरेक्ट कैसे निकालना है उसकी चर्चा करेंगे। अब देखो पेज नंबर 700 पर हम नया पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। अभी त्रिसंयोगी, अब त्रिसंयोगी के लिए पहले हमने किस तरह से उसका क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, फिर बोर्ड देखना है आपको यहाँ पर। त्रिसंयोगी भंग का अर्थ है 3 का कॉम्बिनेशन करना है, एक क्रम से ही जाना पड़ेगा हमको। तो पहले 3 का कॉम्बिनेशन कैसे होगा, पृथ्वी जल अग्नि, एक हो गया ना। अब पृथ्वी और जल को फिक्स रखो तो क्या कहेंगे, पृथ्वी जल वायु, पृथ्वी जल वनस्पति, पृथ्वी जल त्रस, यानी पृथ्वी जल के आगे कितने हैं, 4 है। तो पृथ्वी के कॉम्बिनेशंस कितने हो गए, पहले तो 4 याद में रखो, यानी पृथ्वी और जल के साथ हमने अग्नि या वायु या वनस्पति या त्रस को लगाया तो 4 हुए। अब पृथ्वी के साथ जल को छोड़ दो, अग्नि को ले लो, ये 2 को फिक्स रखो, और फिर पृथ्वी अग्नि वायु, पृथ्वी अग्नि वनस्पति, पृथ्वी अग्नि त्रस, 3 हुए, पहले 4 और ये 3, 7 हुए। अब पृथ्वी वायु वनस्पति, पृथ्वी वायु त्रस 2, पृथ्वी वनस्पति त्रस 1, यानी 1 अधिक 2 अधिक 3 अधिक 4 कितने हुए, 4×5/2 10 हुए ना, तो 10 किसके हुए, अकेले पृथ्वी के हुए, अभी यहाँ तक रुकना नहीं है, तो पृथ्वी के तो 10 हुए। अब जल के लेना है, जल का अग्नि के साथ वायु, ये पहला कॉम्बिनेशन 3 का, फिर जल अग्नि वनस्पति, और फिर जल अग्नि त्रस, यानी 3 हुए, फिर जल वायु, अब इसके आगे 2 है ना, जल वायु वनस्पति, जल वायु त्रस, 3 और 2 5, और फिर जल वनस्पति त्रस 1, कितने हुए, 6 हुए ना, और पृथ्वी के कितने हुए थे, 10। तो यहाँ लिखे देखो पृथ्वी के 10, पर वो निकाले कैसे वो पता नहीं है ना हमको, तो पृथ्वी के 10 निकले और जल के 6 निकले। अब अग्नि के लेते हैं, अग्नि वायु वनस्पति और अग्नि वायु त्रस 2 हुए, और अग्नि वायु त्रस, हाँ ये हो गए ना 3। देखो
अग्नि वनस्पति त्रस लिया था, हाँ वो एक लास्ट वाला, और उसके पहले हमने अग्नि वायु के साथ दो लिए थे, अग्नि वायु वनस्पति एक और अग्नि वायु त्रस दो, ये दो लिए थे, और अग्नि वनस्पति और वो लिए थे, और वायु का एक लिए, हाँ वायु वनस्पति त्रस, अरे पृथ्वी के दस हुए, पृथ्वी के साथ ये तीन तीन कॉम्बिनेशन दस हुए, जल के साथ तीन तीन वाला छः हुए, अग्नि के तीन हुए और वायु का एक हुआ, तो दस और छः सोलह, सोलह और ये चार बीस हुए, कुल भंग त्रि संयोगी भंग कितने हुए, बीस हुए। ये समझ में आती है बात, हाँ वनस्पति के आगे कितनी संख्या है, तो उसका द्विसंयोगी हो सकता है, उसका त्रिसंयोगी नहीं होगा, हाँ उसके पूर्व के साथ वनस्पति का ले लिया हमने, पर वनस्पति के शुरुआत होकर उसका कोई त्रिसंयोगी भंग नहीं होगा। अब चतुस्संयोगी भंग हमारे पास कितने हैं, छः है ना, तो छह संयोगी तक चले जाएंगे हम, तो छह संयोगी यहाँ लिखा है ना, अरे वहाँ टाइम जगह नहीं था ना, तो क्या करेंगे हम, तो चतुस्संयोगी भंग, तो चतुस्संयोगी भंग कैसे निकालना, पृथ्वी जल अग्नि वायु, अभी तीन को फिक्स रखो, पृथ्वी जल अग्नि वनस्पति, पृथ्वी जल अग्नि और त्रस, तीन हुए ना, हाँ तीन हुए। अब पृथ्वी अग्नि वायु वनस्पति, पृथ्वी अग्नि वायु त्रस, दो, हाँ पांच हुए। अब पृथ्वी वायु वनस्पति त्रस, ये एक हुआ। देखो देखो मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ आपको भंगों की बात। ये अपना दसवां नंबर का चार्ट है ना, वहीं पर बताते हैं। देखो चतुस्संयोगी कैसे देखा था हमने, पृथ्वी जल अग्नि के तीन, तीन है ना, पृथ्वी जल वायु के दो, पृथ्वी जल वनस्पति का एक, यानी छह हुआ। फिर पृथ्वी अग्नि वायु, पृथ्वी चतु में पृथ्वी अग्नि वायु के साथ वनस्पति, पृथ्वी अग्नि वायु के साथ त्रस, ये दो हो गया। और फिर हाँ नहीं नहीं देखो देखो फिर से मैं पढ़ती हूँ, पृथ्वी और जल के साथ लगाना है, पृथ्वी जल को फिक्स रखो, पृथ्वी जल अग्नि के आगे तीन होते हैं, पृथ्वी जल अग्नि के साथ आगे के तीन लगाना, तो तीन हुए। पृथ्वी जल वायु के साथ आगे के दो लगाना, दो हुए। पृथ्वी जल वनस्पति के साथ आगे का एक लगाना, तो ये तो छः हो गए। अब पृथ्वी जल के साथ लिखे थे ना हमने, अब पृथ्वी अग्नि के साथ लेना, पृथ्वी अग्नि और वायु के साथ दो और लेना, वनस्पति और त्रस। फिर पृथ्वी अग्नि वनस्पति को लेना और त्रस, वो एक हो गया, दो और एक तीन हुए, पहले छः और ये तीन नौ हो गए। अब पृथ्वी वायु वनस्पति और त्रस, ये एक होगा, ये दस हुए। जरा फिर हार हो रहे हैं चतुस्संयोगी, फिर दोबारा देखते हैं कैसे लेना है उसको, देख लो। पृथ्वी ये चतुस्संयोगी, इसको लेना है ना, चार संयोगी करना है, तो पहले हम चार कंटिन्यूस में लेते हैं, पृथ्वी जल अग्नि और वायु का लिया। अब पृथ्वी जल अग्नि को फिक्स रखो, तो पहला भंग हमने वायु के साथ लिया, फिर वनस्पति के साथ लिया, फिर त्रस के साथ, ये तो तीन हुए। अब पृथ्वी जल को फिक्स रखो, अग्नि के बदले वायु ले लो, तो उसके आगे दो हो जाएंगे, यानी पृथ्वी अग्नि वायु और वनस्पति, पृथ्वी अग्नि वायु और त्रस, दो हो गए। अब पृथ्वी जल वनस्पति को ले लो, तीन को फिक्स रखो और आगे एक ले लो, तो कितने हुए, टोटल छः हुए। अभी पृथ्वी जल को लेते थे ना, पृथ्वी अग्नि वायु फिर वनस्पति, पृथ्वी अग्नि वायु और त्रस, ये दो हो गए ना, और पृथ्वी अग्नि वनस्पति और त्रस, ये हो गया एक।
ये छः और तीन नौ हो गया। अंत में पृथ्वी वायु वनस्पति और त्रस, ये एक ही होगा। तो पहले छः, फिर तीन, फिर एक। देखो कॉम्बिनेशंस अलग अलग कैसे हो सकते हैं, उसको लेना है। पहले वाले ने पृथ्वी जल के साथ लिया था, पृथ्वी को फिक्स रखते हुए इसके पृथ्वी के साथ इतने चतुस्संयोगी भंग अलग अलग हो सकते हैं। फिर से आपको लिखना है तो देखो पहला कौन सा होगा, पृथ्वी जल अग्नि, फिर उसके साथ तीन आए ना आगे, तो तीन उसके भंग हो जाएंगे। फिर पृथ्वी जल और वायु लेना, अग्नि के बदले वायु लेना, और वायु के आगे दो है तो उसके दो गए, तीन प्लस दो। फिर पृथ्वी जल और वनस्पति के साथ आगे का त्रस लेना, तो हाँ एक, तो ये पृथ्वी जल के साथ छः हो गए। अब पृथ्वी अग्नि के साथ, पृथ्वी अग्नि वायु को फिक्स रखना, उसके आगे वनस्पति के साथ एक और त्रस के साथ एक, दो हो गए। पृथ्वी अग्नि वनस्पति को डायरेक्ट लेना, तो पृथ्वी अग्नि वनस्पति के साथ एक त्रस का होगा, तो दो और एक तीन हो गए। अब पृथ्वी वायु और वनस्पति को डायरेक्ट लेना और उसके साथ त्रस का एक होगा, तो छः और तीन नौ और एक दस हो जाएगी। तो वो कितने हो गए इस टोटल, पृथ्वी के दस हो गए। अब जल के, बहुत कठिन हो रहा है सबको। हाँ देखो चतुस्संयोगी आप लिख लो, ये नीचे का सब मिटा दो। प्रू लिखना खाली, देखो प्रू, प्रू ज, प्रू ज अ, जय जाने दो, वो सब मालूम है चतुस्संयोग। हाँ प्रू ज, इतना स्पेस मत छोड़ो, प्रू ज अ, उसके साथ तीन लगेंगे। तीन कौन से, अग्नि के आगे वायु वनस्पति और त्रस के तीन हो जाएंगे। तीन लिखो खाली, अरे मत लिखो वो मत लिखो, ये सब मिटा दो। पृथ्वी ज के साथ तीन है, तीन है, ये तीन कैसे आए समझ में, है ना, क्योंकि पृथ्वी जल और अग्नि को कायम रखा, एक बार उसको वायु को लिया, एक बार वनस्पति को लिया, एक बार त्रस को लिया। अब प्रू ज लिखो, प्रू ज, अभी वा लिखो, वायु, यानी पृथ्वी जल और वायु को रखा, उसके आगे कौन है, वनस्पति और त्रस, उसके दो हो जाएंगे। और पृथ्वी अग्नि, पृथ्वी अवन, पृथ्वी सॉरी सॉरी, पृथ्वी ज अ लिखा, पृथ्वी ज वा लिखा, पृथ्वी ज वन लिखा, उसे एक आया, इस टोटल छः आई। अभी यहाँ लिखो, बीच में एक लाइन रख, हाँ अभी प्रू अ अग्नि के साथ लेना है, और तीस वा दो, प्रू अ वन उसका एक, ये तीन हुए। अब एक लाइन करो और एक लाइन यहाँ करो, कुछ नहीं कर रहा हूँ, नहीं करना हो कुछ, हाँ नहीं नहीं, इसके आगे का, उसके आगे का है प्रू वा वनस्पति। देखो यहाँ क्या किया था, हाँ एक, अभी ये छः, ये तीन और एक एक। जरा हम फिर बताते आपको क्या करना है आपको, यहाँ पर चतुस्संयोगी है, तो पहले हमने पृथ्वी जल और अग्नि को फिक्स किया, और उसके साथ आगे के तीन है वायु वनस्पति त्रस, उसके तीन हुए। फिर पृथ्वी, इसमें से पृथ्वी और जल को तो फिक्स रखा, अग्नि के बदले हमने वायु लिया, पृथ्वी जल और वायु, उसके आगे दो ही है तो वहाँ उसके दो हो गए। अभी पृथ्वी जल को तो कायम रखा, और वायु के बदले यहाँ देखो अग्नि को, फिर वायु को, फिर वनस्पति को लिया, तो पृथ्वी जल और वनस्पति को लिया, उसका एक ही ले सकता है। पृथ्वी जल और त्रस नहीं ले सकते, उसके आगे कोई है नहीं चौथे संयोगी के लिए। तो इसके पृथ्वी और जल के साथ इसके इतने हो गए छः। अब जल को छोड़ दो, पृथ्वी और अग्नि को डायरेक्ट ले लो, तो पृथ्वी अग्नि और वायु को लिया,
उसके साथ आगे वनस्पति और त्रस के दो हो जाएंगे। पृथ्वी और अग्नि को कायम रखा और पृथ्वी अग्नि के साथ वनस्पति को लिया तो आगे केवल एक रह गया, तो एक हुआ, वो तो दो और एक तीन हो गए, यानी पृथ्वी और अग्नि के तीन हुए। पृथ्वी और जल के साथ छः हुए थे, पृथ्वी और अग्नि के साथ तीन हुए, और पृथ्वी वायु वनस्पति त्रस एक ही हो सकता है, तो छः और तीन और फिर दो छः, छः हुए तीन और एक, ये टोटल पृथ्वी के दस हो गए। अभी जल के कहाँ हमने देखे, ना 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 वो नहीं हो सकता। वो वहाँ में ये खाली पृथ्वी के ना, हाँ वो यहाँ यहाँ लिखा ना पृथ्वी वायु वनस्पति के साथ आगे वाला, यहाँ चौथे का नाम हमने लिया नहीं है। हाँ यहाँ वनस्पति और त्रस लिखो यहाँ, उसका पूरा एक, ये सब हमने तीन तीन लिखे ना, उसके आगे कितने होते वो हमको देखना है। वनस्पति के आगे एक ही होता है त्रस वाला, इसलिए हमने हमने नाम तीन लिखे, उसके आगे कितने होते वो हमको सोचना है। ये मिटा दे कि चाहिए, हाँ तो हम जल के निकालेंगे। हाँ अब जल के चतुस्संयोगी निकालना है, इसमें पृथ्वी को नाम लेना ही नहीं है। अब ज लिखो, ज अ वा, यानी जल अग्नि वायु को तीन को फिक्स रखना है ना, ज अ वा। अब उसके साथ इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, तो उसके दो हो जाएंगे। हाँ अभी जल अग्नि को कायम रखना है, जल अग्नि और वनस्पति को ले लो डायरेक्ट, ज अ व, ज अ वा ना, ज अ हां ज अ व, वैने वनस्पति उसका एक ही होगा, ये तीन हो गए बराबर। अब ज वा, ज वा व और उसके साथ रस आएगा, वो एक होगा, ये तीन और एक चार हो जाएगा, तो जल के चार हो गए। अग्नि का कैसा होगा कोई बताएगा? अग्नि वायु वनस्पति और त्रस एक ही हो सकता है, उसका एक ही होगा। इसका चौथा नाम लिया नहीं है तो हमको सोचना है, क्योंकि सब लिखते तो बहुत 10 बार लिखना पड़ता, हमारे चेतन के पास जगह छोटी है। हाँ हाँ 10 अधिक 4 वो पृथ्वी के 10 देखे थे, वो तो लिखा है ना ऊपर, देखो देखो चतुस्संयोगी में पृथ्वी के 10 लिखे थे, जल के 4 लिखे थे, अग्नि का हमने एक ही देखा था, टोटल कितने हुए 15 है ना। अब आगे बढ़ना है पंच संयोगी भंग, यानी 5 का कॉम्बिनेशन करना है। अब पहला नाम लेंगे पृथ्वी का, पृथ्वी को 5, टोटल हमारे पास कितने हैं 6 है। अब उसके एक एक को बाद करो ना, नहीं समझे, पहले को पहला शुरू में देखो, देखो पंच संयोगी कैसे लेना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति ये हो गया। अब जल को छोड़ो, पृथ्वी अग्नि वायु वनस्पति त्रस, अब अग्नि को छोड़ो, पृथ्वी जल वायु वनस्पति त्रस, अब वायु को छोड़ो, पृथ्वी जल अग्नि वनस्पति त्रस, वनस्पति को छोड़ो, पृथ्वी जल अग्नि वायु त्रस, अब त्रस को छोड़ो, वो तो पहले हमने किया था, ख्याल में आई ना बात, पहले ही सबसे पृथ्वी जल अग्नि वायु उसके दो होंगे, पृथ्वी जल अग्नि वायु के दो, पृथ्वी जल अग्नि वायु के ये और एक दो, हाँ फिर पृथ्वी छोड़ के, पृथ्वी नहीं छोड़ना है, नहीं पृथ्वी का हो गया ना, ये दो ही हो गए, नहीं नहीं 5 करेगा, 5 अभी लिखो, पृथ्वी अ अग्नि वान व, उसके आगे तरह से, हाँ ये हो गया ना। हाँ अभी जो लिया नहीं था, वा का, हाँ वा बराबर है, पृथ्वी वा वो अत्र ना, कोई गड़बड़ी की आपने, यहाँ जल लियो, जल ले लो, पृथ्वी जल वनस्पति वायु और त्रस,
वायु एक ऊपर का सही हो गया ना, पृथ्वी अग्नि वायु वनस्पति जल को लेना है ना वहाँ पर। दो चार हुए ना, अभी पृथ्वी जल के साथ देखो एक एक को छोड़ना है। फिर सुनना आप, समझ सुनो, पहले सबको एक लिया था ऐसा, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, किसको छोड़ा था? त्रस को छोड़ा था, यानी इसको छोड़ा। अभी हम जल को छोड़कर ये पांच को लेंगे, अग्नि को छोड़कर बाकी पांच को लेंगे, वायु को छोड़कर बाकी पांच लेंगे, वनस्पति को छोड़कर बाकी पांच लेंगे, यानी पृथ्वी के आगे पांच है, उसमें एक बार एक एक को छोड़ दो। और एक लेना पड़ेगा, देखो हुए ना। दो एक तीन चार पाँच, यानी पांच में हमको जल को पांच बार लेना है, एक बार ही छोड़ा था। जाने दो जाने दो, देखो जल को एक बार छोड़, एक बार ही जल को छोड़ना, एक बार ही अग्नि को छोड़ना, एक बार ही वायु को छोड़ना, एक हाँ बाकी सब पृथ्वी को नहीं छोड़ना है, वो तो बाद में, वो जल का कह, वो जल का कहलाए, जल का एक ही होगा। चलो अभी जल्दी करो, दो मिनट चार मिनट है। वायु वनस्पति आणि त्रस, हां नंतर पृथ्वी जल अग्नि वायु त्रस, अग्नि वायु त्रस, सेकंड वाला हो गया, ये वाला हो गया। वनस्पति कहाँ डाला? ऊपर डाला। देखो क्या करना है, जल को एक बार छोड़ना है, अग्नि को एक ही बार छोड़ना है, ये अग्नि को आपने पांचों में लिया है ऐसा मैंने सुना। देखो आसान तरीका क्या है, पृथ्वी के आगे पांच पांच नाम है, एक एक को छोड़ो ना, बाकी पांच पांच को ले लो। सुनो चेतन, अभी वो मिटा दो सारा घोटाला। पहला ऐसा ले लो, पहले जल को छोड़कर बाकी पांच ले लो, वो जल को छोड़ दो, पृथ्वी अग्नि वायु वनस्पति त्रस, अब जल को छोड़ो, जल को छोड़ा यहाँ पर सर, पृथ्वी अभी अग्नि को छोड़ो, पृथ्वी जल वायु वनस्पति त्रस, फिर वायु को छोड़ो, पृथ्वी जल अग्नि वनस्पति त्रस, अग्नि वनस्पति त्रस, पृथ्वी जल अग्नि वायु त्रस, अग्नि वायु वनस्पति आ गए ना सब। हर एक में चार चार बार आता है। देखो इसमें जल को छोड़ा था, इसमें अग्नि को एक बार ही छोड़ना था, इसमें जल छोड़ा, इसमें अग्नि छोड़ा, इसमें वायु छोड़ा, इसमें वनस्पति छोड़ा, इसमें त्रस को छोड़ा। हाँ अभी एक रह गया ना, अभी अब जल के साथ तो एक ही होगा, जल अग्नि वायु वनस्पति त्रस, उसमें एक ही कॉम्बिनेशन है, उसमें दूसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कितने हुए उसके? छः हो गए, और छः का मिलकर एक ही होगा, दूसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब उसकी टोटल हम बाद में करेंगे। बोलो चौबीसों भगवान जय।